हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पीरियड वन। सो गाइस, होप यू गाइस आर जस्ट डूइंग वेल। आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके घर में, परिवार में सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, पहले की तरह से आज भी हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं अपने क्लास 17 को लेकर। हमारे इस कोर्स के अंदर हमने 20 क्लासेस को रखा है, जिसमें से आज हम 17वीं क्लास अपनी यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, गारंटी ये है कि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो आपसे उम्मीद ये है कि आप बिल्कुल वीडियो को स्टार्ट टू एंड बिल्कुल देखें, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सीखने जा रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको आगे फॉरवर्ड कर दें ताकि दूसरा व्यक्ति भी एक अच्छी चीज़ सीख सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास 17 के अंदर फीलिंग्स के बारे में। तो फीलिंग्स आज तक आपने काफी पढ़ी होंगी, लेकिन आज बिल्कुल नए तरीके से डिफरेंट वे हम लेकर के आए हैं। दोस्तों, एक चीज और मैं बता दूं आपको, हमारी क्लासेस जितनी भी अगर आप देखेंगे स्टार्ट टू एंड अभी तक, यानी कि 1 से 17 क्लास हम आज ये करने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल सबसे अलग आपको मिलेगी, बिल्कुल डिफरेंट क्लास मिलेगी, बिल्कुल सबसे अलग हमारा तरीका है। और इस तरीके से हमने क्लास को और अपने कोर्स को डिजाइन किया हुआ है ताकि आप बिल्कुल ईजी वे में और बिल्कुल हंसते हंसते बिल्कुल आसानी के साथ में इंग्लिश को सीख सकें। क्योंकि इंग्लिश, बार बार मैं ये बोलता हूँ, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। इसके बिना बिल्कुल भी बहुत सारे काम जो हैं ऐसे हैं जो अटक जाते हैं, जो नहीं हो पाते। अगर इंग्लिश इंपॉर्टेंस की मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, तो दोस्तों अगर आप कहीं भी जाते हैं, विदेश के अंदर अगर आप जा रहे हैं, तो अगर आपको वहाँ की रीजन लैंग्वेज नहीं आती है, तो सबसे पहले आपके पास में मेन जो ऑप्शन होता है, जो उपकरण होता है, वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है। अगर आपके पास में वो भी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर मैं लेटेस्ट एग्जांपल अगर सऊदी अरब का लूँ, तो सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग हैं। इवन अगर मैं बात करूँ तो मेरा खुद का ब्रदर भी गया हुआ है, तो वहाँ पर वो सिर्फ इंग्लिश से काम चलाता है, मेरी वीडियोज़ देख करके, ठीक है ना? तो मैं आपसे भी आशा करता हूँ कि आप भी मेरी वीडियोज़ को देखिएगा और सीखिए इंग्लिश को बेहतर तरीके से। एक इफेक्टिव इंग्लिश सीखने के लिए आप प्लीज ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास 17। तो क्लास 17 के अंदर आज हमने बात की यहां पर फीलिंग्स की। इससे पहले मैंने एक फीलिंग आपको पढ़ाई थी, वो थी आपकी हैव टू। क्या था? हैव टू। हैव टू के अंदर हमने बात किया था कि जो काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है। लेट सपोज मैं कहता हूं मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। मुझे दौड़ना पड़ता है, आई हैव टू रन। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट फीलिंग के बारे में। डिफरेंट फीलिंग कौन सी है? अब हमारे पास में सबसे पहले बात करेंगे वॉन्ट टू के बारे में, ठीक है ना दोस्तों? लेकिन साथ के साथ में बताता चलूं आपको, वॉन्ट टू, लाइक टू, लव टू एंड नीड टू, हमारे पास में यहाँ पर 4 फीलिंग्स है। एक हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। दोस्तों, इसको हमें रेस्टली थोड़ा सा ले जाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मुझे 20 क्लासेस कंप्लीट करने, अपने बेसिक कोर्स को मुझे इसमें कंसाइज करके ये दिखाना है आपको, ये सिखाना है ताकि आप बिल्कुल इंग्लिश बोलने के लिए सक्षम हो सके, ठीक है ना? ऐसा ना हो कि 20 क्लासेस आपने पढ़ी और उसके बावजूद भी आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, तो वो रिजल्ट अगर खराब जाता है तो वो उसमें मेरी नाकामयाबी है और साथ के साथ मुझे आपका भी लॉस होने वाला है। क्योंकि आप दोस्तों यहाँ पर आकर टाइम देते हैं, आप वीडियोस को देखते हैं, आप प्यार देते हैं, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर भी करते हैं, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं। तो आज का कंटेंट इसी के ऊपर बेस्ड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ी आसानी से आप चुटकियों में इसको सीख सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर वॉन्ट टू के बारे में। वॉन्ट टू होता है कि किसी चीज को चाहना। लेट से मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं चाय पीऊं, मैं चाय पीना चाहता हूं। मैं से कहूं कि मैं कहूं कि मैं क्लास पढ़ाना चाहता हूं, या मैं आपके साथ आना चाहता हूं, या मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूं। इसमें चाहने के लिए बहुत सारी आपकी फीलिंग्स जो है एड ऑन होती चली जाती है। लेकिन इसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे एक सेंटेंस का एक क्या चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, एक प्रॉपर एक फ्रेम चाहिए, ताकि मैं अपने उस फ्रेम के अंदर अपनी चीजों को रख सकूं और एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल करके मेरे सामने आ जाए। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, यहां पर एक फॉर्मेट बनाया है। एक क्वेश्चन मुझे जब करना है, एक किससे, एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, यू से क्वेश्चन करना है। डू यू वॉन्ट टू एक्शन, आपको यहाँ पर एक्शन पुट कर देना है, ठीक है ना दोस्तों? मैंने पूरा नीचे तक इसको नोट डाउन करके रखा है और कुछ एक्शंस भी मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। ये पहले इसलिए लिख दिया ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और बड़ी आसानी के साथ आप इसको सीख सकें। तो एक्शंस क्या है? सबसे पहला एक्शन है ज्वाइन द क्लास। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास, लेट्स से आप भी सॉरी अपने दोस्त से बोल सकते हैं, भाई मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं एक चैनल पे सीखता हूं इंग्लिश, चैनल का नाम है इंग्लिश पीरियड वन, बहुत अच्छी इंग्लिश वहां पे सिखाई जाती है। डेफिनेटली जब आप अच्छी यहां पर सीखेंगे तो तभी आप इस चैनल को भी रिकमेंड करेंगे। अगर आप रिकमेंड करते हैं तो रिकमेंड करने के साथ साथ आप इसी क्लास से सीखा हुआ यही सेंटेंस आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं। कैसे? डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास, क्या आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं?
क्योंकि मैंने आपको यहां पे सिखा दिया है, आप इसी सेंटेंस के साथ में अपने दोस्त को भी रिकमेंड कर सकते हैं हमारा चैनल। क्या पूछेंगे, डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास, क्या आप ज्वाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि यस, वो कहेगा अगर वो इंटरेस्टेड है, आपने उसको प्रेजेंट किया, वो कहेगा हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास। ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा कई बार ये जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति कहता है कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति को समझ में नहीं भी आ रही है बात, ठीक है ना, मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ ही जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि भैया ठीक है मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ऐसा हालांकि ऐसा इस क्लास के अंदर बिल्कुल नहीं होने वाला, इस पूरे कोर्स के अंदर नहीं होने वाला। इवन मैं कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल से कनेक्टेड रहते हैं और पूरा कोर्स आप कंप्लीट करते हैं, कभी भी आप ऐसा फील नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। डेली बेसिस पे अगर आप वीडियोज देखते हैं तो कुछ ना कुछ आप सीख के जाने वाले हैं उसे, ठीक है ना। उसके बावजूद भी कुछ व्यक्ति होते हैं कि भाई मुझे नहीं सीखना है या मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं ज्वाइन करना है, तो वो नेगेटिविटी में यहाँ पे जवाब देता है, आई डू नॉट वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास, ठीक है। ये मैंने एक आपको एग्जांपल देकर के समझाया, ठीक है ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो कहेगा यस आई वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास, आप रेफर करके देख लीजिएगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट सेक्शन है मेरे पास में टेक टी, चाय पीना, क्या आप चाय पीना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू टेक टी, घर पे मेहमान आते हैं, क्या आप चाय पीना चाहते हैं, हमारे हमने कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, कोल्ड ड्रिंक पी नहीं रहा है, वो सोचता है यार मुझे थोड़ा सा नोजल प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम उसको हो सकती है, वो कहता है नहीं मैं नहीं पीना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टेक टी। अब हम क्या कह सकते हैं कि क्या आप कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू टेक कोल्ड ड्रिंक, है ना, ये नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में होगा, लेकिन उसे इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करके बोलना है, डू यू वॉन्ट टू, ठीक है दोस्तों। यस yes, मैं कहता हूँ हाँ करना है मुझे, आई वॉन्ट टू, मना करना है, आई डोंट वॉन्ट टू। अब इसी तरीके से इस वॉन्ट टू को हमें पुट करना है यहाँ पर पास्ट के अंदर, जैसे अगर मैं बात करूँ कि यार क्या आप आना चाहते थे मेरे घर पे, क्या आप मेरे घर पे आना चाहते थे, डिड यू वॉन्ट टू कम टू माई होम, या क्या आप क्लास ज्वाइन करना चाहते थे, डिड यू वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास, क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर डिड का प्रयोग किया। डिड जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो जनरली मैंने यहाँ पे वॉन्ट टू का यूज किया। अब हमें यहाँ पे जवाब देना है, हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द क्लास, हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता था, नहीं ज्वाइन करना चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास, आई डिड नॉट वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास। ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास में समय ना हो या उसको कहीं जाना हो उसी सेम टाइम पे, तो इसलिए उसने बोल दिया कि आई डिड नॉट वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास, बट नेक्स्ट टाइम आई विल ज्वाइन, अगली बार ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। अब उसके पास में समय नहीं था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, थर्ड पर्सन होता है हमारा, थर्ड पर्सन के बिना हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं बन सकता है। मैं स्टार्टिंग से आपको बोलते आ रहा हूं कि जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन से बात करने के लिए हम बात करते हैं ही के बारे में, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, वहां पर हमने यूज किया डज, डज ही वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास, क्या वह भी ज्वाइन करना चाहता है। जब हम दोनों बैठे हुए आपस में अपना फोन लेकर के क्लास देख रहे हैं और प्रॉपर हमें मजा आ रहा है क्लास के अंदर, फर्स्ट देखी, सेकंड देखी, थर्ड देखी, फोर्थ देखी, यार अच्छा डे बाय डे सबकी क्लासेस के अंदर इंप्रूवमेंट भी है। पहली क्लास हम देख रहे हैं थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी का प्रॉब्लम था, सेकंड क्लास में हमने देखा थोड़ा सा यार बोर्ड भी चेंज कर दिया, थर्ड क्लास में देखा पीछे व्हाइट वॉश नहीं था तो व्हाइट वॉश भी करा दिया, है ना, फोर्थ क्वालिटी, यानी कि डे बाय डे इंप्रूवमेंट उसमें बढ़ता जा रहा है, तो आपका क्या होगा, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, आपका एक इंटरेस्ट बढ़ता है वीडियोज देखने, राइट। अब आप दोनों देख रहे हैं तो अब आपको क्या करना है, थर्ड पर्सन को भी उसके लिए एनकरेज करना है, क्या आप उससे क्वेश्चन करते हैं, डज ही वॉन्ट टू, हम आपस में बात कर रहे हैं, डज ही वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास, क्या वो ज्वाइन करना चाहता है। अब मेरे दोस्त को पता है हाँ भाई वो ज्वाइन करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू, क्या बोलते हैं, ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन द क्लास, करना चाहता है ना, क्योंकि थर्ड पर्सन जो हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वहां पर आपको वर्ब में एस एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है वॉन्ट, तो यहाँ पे वॉन्ट्स लगा देंगे, ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन द क्लास, नहीं करना चाहता, ही डज नॉट वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास, क्लियर। यस, उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा, एक एक्शन से मैंने आपको समझा दिया सब कुछ, एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। यस, ये ज्वाइन द क्लास यहाँ से उठाकर यहाँ रखते हैं, क्या आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, दोस्तों बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, ना बिल्कुल आसानी से आपको समझा रहे हैं, ज्वाइन द क्लास, डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास, क्या आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जवाब है यस आई वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास, एक्शन यानी कि ज्वाइन द क्लास। अब इसी के बारे में बात करें, नहीं करना चाहते, आई डोंट वॉन्ट टू, एक्शन ज्वाइन द क्लास, ठीक है, क्या वह ज्वाइन करना चाहता था, डिड ही, मैंने वह की बात की, डिड ही वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास, ज्वाइन करना चाहता था, ही वॉन्टेड टू ज्वाइन द क्लास, या नहीं करना चाहता था, ही डिड नॉट वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास, ठीक है ना। सेम ऐसे ही आप यहां पे डज से बात कर रहे हैं, डज ही वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास, क्या वह क्लास ज्वाइन करना चाहता है, यस ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन द क्लास, नहीं चाहता, ही डज नॉट वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पर। अब दोस्तों इसी तरह के से आपके पास में यहाँ पे सेंटेंस मैंने दिए हुए, एक्शंस वन है आपका ज्वाइन द क्लास, सेकंड टेक टी, थर्ड आपका डांस इन द पार्टी एंड क्लियर द एग्जाम,
एंड गेट द जॉब, ये सब एक्शंस आपको यहां पर अप्लाई करने हैं, ठीक है। ये बात हो जाती है आपकी वॉन्ट टू के लेकर के, ठीक है ना दोस्तों। वॉन्ट टू होता है आपका किसी चीज को चाहना, मैं चाहता हूं। नेक्स्ट आपकी फीलिंग है यहां पर लाइक टू, लाइक टू होता है किसी चीज को पसंद करना, ठीक है। अब पसंद करने के लिए सिलसिले में मैं क्या बोलता हूं, डू यू लाइक टू एक्शन। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पर एक्शन यहां से यहां पुट कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, फीलिंग को यहां पुट करना है, समझ रहे हो ना। आप चाहे तो एक जब नोट बनाते समय आप ये वाला, पहले ये वाला आप इसको कॉपी कर लेंगे, इसके बाद में जब नेक्स्ट आप लेंगे तो ये लाइक टू आप उठाएंगे और डू यू वॉन्ट टू की जगह लाइक टू, लाइक टू, लाइक टू, लाइक टू, लाइक्ड टू, लाइक टू, लाइक टू, लाइक्स टू, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना दोस्तों। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ अगर इसमें प्रॉब्लम लगती है, कुछ इस तरह का कोई भी संदेह होता है, कोई भी डाउट होता है, तो प्लीज प्लीज मैं आपसे बोलता हूँ किसी तरह का कोई संकोच नहीं करना, डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर ये चीज हमें समझ नहीं आई, ठीक है ना। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो देन एंड देयर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, ठीक है ना। और इससे पहले क्लास के अंदर मैंने क्या किया आपको, इससे क्लास 14 के अंदर मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, वहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को और डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। लाइक टू यहाँ पे आप पुट करते हैं, लाइक टू होता है मतलब पसंद करना, मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक टू ज्वाइन द क्लास, आई डोंट लाइक टू ज्वाइन द क्लास, है ना। डिड यू लाइक टू ज्वाइन द क्लास, आई लाइक्ड, आई डिड नॉट लाइक टू ज्वाइन द क्लास, मैं पसंद नहीं करता था या मैंने पसंद नहीं किया था क्लास ज्वाइन करना। नेक्स्ट है आपका लव टू, लव टू सिमिलर होता है लाइक टू के, लेकिन लाइक टू से एक पॉइंट आगे बढ़ जाता है लव टू, ठीक है ना। लव टू का मतलब होता है कि मतलब मैं इसको और ज्यादा पसंद करता हूँ, एक तरीके से मतलब प्रेम भाव से। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि आई लव टू ज्वाइन द क्लास, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ क्लास को ज्वाइन करना, ठीक है ना। या आई लव टू वॉच वीडियोज, वीडियोज देखना मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ये लव टू आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है, वॉन्ट टू की जगह लव टू, यहाँ पे लव टू, लव टू, लव टू, एंड यहाँ पे हो जाएगा लव टू, ठीक है ना। जब सेकंड फॉर्म की बात आती है तो आपको ईडी लग जाएगा वहां पर, वो ईडी हो जाएगा, लव हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नीड टू, नीड टू होता है किसी चीज की जरूरत महसूस करना, ठीक है। जरूरत, जैसे कि मैं कहूं कि मुझे जरूरत है खाना खाने की, आई नीड टू टेक फूड, मुझे जरूरत है दिल्ली जाने की, आई नीड टू गो टू दिल्ली, मुझे जरूरत है स्टडी करने की, आई नीड टू स्टडी, मुझे जरूरत है गवर्नमेंट जॉब पाने की, आई नीड टू गेट द गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। इस तरीके से आप नीड टू का प्रयोग कर सकते हैं। नीड टू के लिए भी सेम फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, मैं फिर समझा रहा हूं आपको। वॉन्ट टू जैसे हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, ऐसे हमने लाइक टू किया, देन हमने लव टू किया, ऐसे ही आप यहाँ पे नीड टू भी प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको अलग तरीके से भी आपको बिल्कुल सेपरेट सेपरेट समझा सकता था, लेकिन 17 क्लास मेरी आ चुकी है यहाँ पर। अब इसके बाद में जो मेरी बाकी 3 क्लासेस बची हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, तो दोस्तों अब मुझे आपकी एक एंगेजमेंट एक्टिविटी करनी है, जिसमें मैं आपको डेली रूटीन लिखने के लिए दूंगा, जिसमें मैं आपको अदर एक्टिविटीज कराऊंगा, जिससे कि हम एक दूसरे से कनेक्ट भी हो सके और हम इस कोर्स को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सके, और आप वाकई में इस चीज का प्रमाण बने। आप ये कमेंट करें कि हाँ सर वाकई मैंने आपकी आपकी वीडियो से ये सीखा है, और ये इंग्लिश सीखने के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ आपकी वीडियो देखने के बाद, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी और वही मेरे लिए बहुत बड़ा एक तरीके से देखा जाए तो आपकी तरफ से वो एक प्यार होगा आपका, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की आपकी एक बहुत छोटी सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूजफुल क्लास। अगर इसमें अभी भी कोई आपको डाउट है किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का, तो आप प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इफ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, सो प्लीज डायरेक्टली रीच आउट टू मी, मैंने आपको नंबर अपना दे दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड जय हिंद।